हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट शोडाउन में। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपना गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, किसान पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। जो कि आप सोसाइटी में सरकारी गोदाम में अपना गेहूं बेचना चाहते हैं उसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप फुल प्रोसेस आपको बताऊँगा। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया, घंटे वाले बटन को भी दबा दें ताकि रखने। इसके लिए आपको आ जाना है अपने गूगल क्रोम पर। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है FCS की साइट पर चले जाना है। साइट पर आ जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है खरीद हेतु किसान पंजीकरण। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीन स्टेप मिल जाएगी। यहाँ पर आपको खरीद हेतु किसान पंजीकरण पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे की तरफ जाना है और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप आपको अपना आधार संख्या डालना है, आधार संख्या डालकर यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है, डालने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सभी डिटेल जो आपके आधार कार्ड में फिल्ड है यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपना थोड़ी सी डिटेल डालकर यहाँ पर आपको फॉर्म पूरा कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जो आपका कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पर आपको डाल देना है। और यहाँ पर ही हमने अपना एड्रेस डाल दिया है कम्प्लीट। एड्रेस डालने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपना नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसान की भूमि का विवरण डाल देना है, जहाँ पर भी आपकी ज़मीन हो वहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर मैं गांव सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस गांव में हमारी ज़मीन है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ज़मीन का खाता संख्या आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल आ जाएगी जिसके नाम पर भी ज़मीन होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना रकबा डाल लेना है, जो भी आपकी हिस्सेदारी है और जितनी ज़मीन में आप अपना आपने अपना गेहूँ बो रखा है यहाँ पर आपको वो डाल देना है और सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारी ज़मीन ऐड हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना कितना गेहूँ बेच सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 क्विंटल यहाँ पर आप अपना गेहूँ बेच सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपका निकल कर आया है। आपके ज़मीन के हिसाब से यहाँ पर अपना गेहूँ आप बेच सकते हैं। आपको ओके कर देना है। करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर दूसरा स्टेप फॉलो करना है, पंजीकरण लॉक करे पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डाल देना है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है। यहाँ पर टिक कर आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अब अपना फाइनल लॉक करना होगा। फाइनल लॉक करने से पहले आपको इसे पूरी तरीके से जांच कर लेना है। यहाँ पर टिक कर देना है और लॉक कर देना है। आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर OTP जाएगा। यहाँ पर अपना OTP डाल देना है और वेरीफाई कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक हमारा पंजीकरण कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ से आप अपना